सामने देखो सामने देखो सामने देखो सामने देखो देखो नाटो ऐसा है कि थाना सदर क्षेत्र के अंदर इको गाड़ियों की काफी दिन से साइलेंस से चोरी हो रही थी। तो हमने मुकदमा दर्ज किया, इन्वेस्टिगेशन किया, हमने कंपनी से बातचीत करके पता किया कि अभी साइलेंसर की क्या वजह है और साइलेंसर क्यों चोरी कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर कोई ऐसा पाउडर टाइप का कोई केमिकल है जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और वो थोड़े से इस प्रयास में ज्यादा इनकम हो सकती है। तो हमने उसकी तफ्तीश करते करते चार बंदों को हमने अरेस्ट किए। एक लवीश कुमार है सेक्टर 14 का, एक चंद्र उर्फ नानू है अपने स्टेट का, एक सोनू गीता कॉलोनी का, एक नरसिम्हा है मिर्जापुर का। इनसे हमने 7 साइलेंसर इको गाड़ियों के बरामद किए हैं और बाकी इनसे पूछताछ जारी है। कितने की चोरियां की है वो पूछताछ अभी बाकी है और कुछ इनमें किसी दूसरे थाने की मिलेंगे तो वो भी हम उस रिकवर करके संबंधित थाने को सूचित करेंगे। सभी थानों में हमने मैसेज कर दिया इस बारे में, अगर किसी भी थाने में साइलेंस चोरी या किसी अन्य चोरी के बारे में ये बंदे वांटेड हैं तो यहाँ सदर थाना संपर्क करके इनसे पूछताछ कर। क्या अभी तक पता चल पाया जो साइलेंसर से केमिकल निकाला गया था वो कहाँ बेचा गया है? वो हम लीक आउट नहीं करेंगे, तो मुलजिम तक ही पता लग जाएगा। हाईलाइट होने से अखबार में आने से वो स्ट्रक हो जाएंगे, हम उसको राउंड अप नहीं कर सकते और इसलिए हमने वो हमारे रिकॉर्ड पर है उसके बारे में। इनकी जो केमिकल है उसकी कीमत 10,000 से लेकर 12,000-15,000 तक जैसे ग्राहक मिलता है। अगर ये साइलेंसर नए की कीमत तो हमने कंपनी से पता नहीं किया क्या है क्या नहीं। ये साइलेंसर में से कुछ वो पाउडर टाइप का केमिकल है उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, उसी को ज्यादा वो। फिलहाल तक कितने साइलेंसर जब्त किए? 7। क्या ये सिर्फ 4 लोगों का गिरोह था या इस गिरोह अभी तो ये 4 ही हैं, बाकी बेचने कहाँ कहाँ बेचा है, कौन कौन इसमें शामिल है और गहना गहनता है पूछताछ के बाद हम करेंगे उसके बारे में। क्या जांच में ये पता लगाने की कोशिश की इन्हें इन चीजों की जानकारी जो है कहाँ से हासिल हुई है? इसमें पूछताछ की, ये लवीश नाम का बंदा है, इसने मैकेनिक का काम सीख रखा है, इसने खुद की दुकान भी कर रखी है और उसी दौरान इसका इसके बारे में इसको पता लगा और इसी ने बाकी 3 बंदों का साथ मिला करके ये काम शुरू कर दिया।